बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर ऑनलाइन साइंस क्लास। टुडे वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2 एट पेज नंबर 14। द टाइटल इज़ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। ओके, ट्रांसपोर्टेशन होता है किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, और ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। आज हम इसमें कुछ डिस्कस कर लेते हैं पहले कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह पौधों और इंसानों के जिस्मों में मौजूद मुख्तलिफ मटीरियल्स जो हैं वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक मूव करते हैं। यानी कि हम ये पढ़ेंगे कि इंसान और जो जानवरों के जो बॉडी के अंदर जो डिफरेंट मटीरियल्स हैं या वो एक ऑर्गन सिस्टम से दूसरे ऑर्गन सिस्टम तक किस तरह मूव करते हैं, और वो कौन से सिस्टम हैं जो किसी भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी कि वो कौन से ऐसे ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो किसी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के ज़िम्मेदार हैं, इनके किस तरह के स्ट्रक्चर हैं और वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो मैं रिपीट कर देती हूँ कि इस यूनिट में हम ये पढ़ेंगे कि इंसानों और जानवरों के बॉडीज़ के अंदर जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक किस तरह मूव करते हैं, कौन से सिस्टम्स हैं जो किसी भी मटेरियल को दूसरे सिस्टम्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, या वो कौन से सिस्टम्स हैं जो इस ट्रांसपोर्टेशन के अमल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और इनके किस तरह के स्ट्रक्चर हैं और वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। The highway system of a city helps to move food, water, petrol, garbage and other goods. Similarly, the transport system helps to move food, water, gases and waste throughout our body in a plant's body. अच्छा, जैसे कि आप यहाँ पे एक हाईवे सिस्टम देख रहे हैं, यानी कि रोड्स का एक आप नेट देख रहे हैं, एक जाल देख रहे हैं, इससे रिजेंबल किया उन्होंने ह्यूमन एंड एनिमल या प्लांट्स बॉडी को, कि जैसे ये आप ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हैं और ये प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जैसे हम डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फूड, वाटर, पेट्रोल और जैसे कूड़ा क्रिकेट वगैरह एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए हम कुछ सिस्टम्स को यूज़ करते हैं, और कुछ हम ऐसी गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, और फिर वो गाड़ियाँ जो हैं उनके चलने के लिए, उनके पहुँचने के लिए हमारे पास हाईवेज़ हैं, रोड्स हैं। तो इसी तरीके से इंसानी जो जिस्म है उसके लिए भी, उसको भी चलाने के लिए उसके एवरी पार्ट में फूड, एनर्जी, ऑक्सीजन वगैरह ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं वो काम करते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो वो माउथ से एसोफेगस से होता हुआ स्टोमक में जाता है, इस तरह वो डाइजेस्टिव सिस्टम में मूव करता है। अच्छा, वो खाना अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मूव करता है तो फिर इसका मतलब है कि हमें तो सिर्फ हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको एनर्जी मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। खाना तो डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, लेकिन इस खाने से हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी मिल रही होती है, ऐसे ही है ना। और जैसे हमारी आर्म्स, लेग्स, ब्रेन वगैरह सब जो हैं ऑपरेट हो रहे होते हैं, यानी कि एनर्जी उनको मिल रही होती है। अब वो एनर्जी जो है वो पूरी बॉडी में किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से वो एनर्जी जो है वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन पूरी बॉडी के लिए कैसे होती है, और इसके लिए हमारी बॉडी में एक ख़ास सिस्टम है, और इस ख़ास सिस्टम को क्या कहते हैं, ब्लड कहते हैं, खून। हमारा ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। कैसे करता है? हमारी बॉडी में जैसे डिफरेंट मटेरियल्स, गैसेस, एनर्जी जो होती है इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा ऑर्गन है, कौन सा सिस्टम है, वो ब्लड है। इसी तरीके से प्लांट्स की बॉडी में भी कुछ रिस्पॉन्सिबल टिश्यूज़ होते हैं, यानी कि जिनकी जिम्मेदारी होती है ये काम करना, और जो वाटर और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू आउट द प्लांट्स बॉडी। और जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल
हम प्लांट्स को पानी देते हैं, ठीक है, हम तो उसकी रूट्स को पानी देते हैं, जड़ों को पानी देते हैं, तो वो पानी पूरी प्लांट्स बॉडी में किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है, इसके लिए अल्लाह ताला ने ख़ास किस्म के कुछ टिश्यूज़ बनाए हैं प्लांट्स के अंदर, जिनको जैसे कि जो हम पानी जो रूट्स को देते हैं, तो वो जिन टिश्यूज़ के ज़रिए प्लांट्स बॉडी में सर्वाइव करता है, ट्रांसपोर्ट होता है, उन टिश्यूज़ को हम कहते हैं जाइलम टिश्यूज़। इनके बारे में आगे आप पढ़ेंगे। और ये क्या करते हैं जाइलम टिश्यूज़, रूट से पानी लेकर तमाम प्लांट्स, स्टेम, लीव्स और फ्लावर्स, यानी कि ऑल बॉडी जो है प्लांट्स की, उसको सप्लाई करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अब जो प्लांट्स के लीव्स में जो फूड बनता है, लाइक फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसीजर है उसके रिजल्ट में, वो फूड जो है वो पास हो रही होती है, यानी कि पत्तों में वो फूड बन रही होती है, लेकिन वो तमाम प्लांट की बॉडी को मिल रही होती है। और ये काम करने के लिए एक और टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। कौन से टिश्यूज़ होते हैं? वो फोलियम टिश्यूज़ होते हैं। अच्छा जी, अब हमारा जो दिल है, हार्ट, वो क्या करता है? ब्लड पम्प करता है और फोर्स के साथ ब्लड को जो है वो हमारी खून की नालियों में मुंतकिल करता है, और इस तरह पूरी बॉडी में जो हमारा ब्लड है वो फैल जाता है। और इसके अलावा हमारी बॉडी में खून की दो इकसाम होती हैं, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार नहीं होती। वो सारा प्रोसीजर आप पढ़ेंगे आगे कि वो किस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है। फिर और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और दूसरी जो फॉर्म है ब्लड की वो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है। अच्छा, अब जो हमारी बॉडी में जो खून का निज़ाम है, यानी कि टू टाइप्स ऑफ ब्लड है, और एक जो है उसमें ऑक्सीजन शामिल नहीं है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, तो इसमें ऑक्सीजन किस तरीके से शामिल होती है? अच्छा, इसमें ऑक्सीजन शामिल करने के लिए हमारा हार्ट जो है वो अपने अंदर पूरी बॉडी का जो हमारा खून है ना, वो हार्ट कलेक्ट करता है, यानी कि तमाम जो बॉडी का ब्लड है वो हार्ट तक आता है, ठीक है। इसके लिए ख़ास तरह की कुछ वेंस हैं जो इस ब्लड को लेकर आती हैं हार्ट तक। अब हार्ट के दो साइड्स हैं, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। जो राइट साइड है वहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो इकट्ठा होता है कहाँ पर? राइट साइड पर। और अब इसमें ऑक्सीजन शामिल करने के लिए क्या होता है? अब हार्ट इसको अपने अंदर कलेक्ट करता है, ठीक है, और यहाँ से इस ब्लड को पास करता है लंग्स के पास। अब लंग्स जो हैं वो इसमें ऑक्सीजन शामिल कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लंग्स जो हैं इसमें ऑक्सीजन कैसे शामिल करते हैं? तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जब हम एयर इनहेल करते हैं तो क्या होता है कि वो जो हमारा जो हम जो इनहेल करते हैं एयर, यानी कि जो एयर सैक्स हैं वो उसको हम तो हमारे लंग्स जो हैं, लंग्स के अंदर जो एक फंक्शन हमने पढ़ा था आई थिंक प्रीवियस लेक्चर में, एल्वियोलाइज होते हैं, लाइक एयर सैक्स होते हैं, हवा की थैलियाँ, तो वो इस ऑक्सीजन को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं। हमने पढ़ा था ना कि वो कुछ ऑक्सीजन की जो मिकदार है जो खून में शामिल कर देते हैं, और जो बाकी जिसकी ज़रूरत नहीं होती, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमने लंग्स के बारे में पढ़ा था कि उनके पास जो है अब वो ऑक्सीजन जो एल्वियोलाई में लंग्स के अंदर मौजूद, एल्वियोलाई में स्टोर्ड है, वो जो है वो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में शामिल करके इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देता है। फिर क्या होता है, फिर लंग इसी ब्लड को वापस हार्ट तक ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, और अब वो हार्ट की राइट साइड पे नहीं बल्कि हार्ट की लेफ़्ट साइड पे ट्रांसपोर्ट करते हैं इसको। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो अब हार्ट की लेफ़्ट साइड पे है, हमारा जो हार्ट है इस ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अब हार्ट अपनी लेफ़्ट साइड से पंप करके पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। अच्छा, इसके अलावा जो एक चीज़ हम पढ़ेंगे वो क्या है कि हमारे जिस्म में आर्टरीज और वेंस का एक जाल है, यानी कि एक पूरा सिस्टम है जिसके अंदर डिफरेंट तरह की आर्टरीज हैं, वेंस हैं, जो काम करती हैं। हमारा हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है और ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में, ठीक है। और हमारी बॉडी में जो आर्टरीज और जो वेंस हैं
वो रिस्पॉन्सिबल हैं किस लिए, हमारी बॉडी को एनर्जी गैसेस डिफरेंट मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक हो गया। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आपको एक मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से जो है हमारा, हमारी खून की कितने इकसाम्स होती हैं, हार्ट उसमें क्या करता है, ये सारा हम आगे इंशाल्लाह पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। ओके, वी हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर दैट आर बॉडी नीड्स फूड एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। हमने पिछले यूनिट में ये पढ़ा कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन और फूड की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? टू प्रोड्यूस एनर्जी, तवानाई पैदा करने के लिए। वेस्ट आर आल्सो प्रोड्यूस इन आर बॉडी, इसके अलावा कुछ वेस्ट मटीरियल्स भी हमारी बॉडी में बनते हैं। हाउ डू मटीरियल्स मूव इन आर बॉडी, ये तमाम मटीरियल्स हमारी बॉडी में कैसे मूव करते हैं। द सप्लाई ऑफ फूड, खाना पहुंचाना, वाटर, पानी, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ये जो सारे अवामिल हैं, यानी कि बॉडी को पानी और फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है, ऑक्सीजन का, और इसके अलावा जो हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं उनका निकलना, दोबारा बॉडी से बाहर निकल जाना, ये सारा जो अमल है ये ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन आर बॉडी सर्व्स दिस पर्पस, और इस सिस्टम को कौन सा जो सिस्टम है इस ट्रांसपोर्टेशन को सर्व करता है? हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम है यानी कि हमारा जो है वो ब्लड का सर्कुलेट करना, हमारी बॉडी में उसका मूव करना ऑल द टाइम, दिस इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सो हम स्टार्ट करते हैं। आवर सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइजेस द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मुश्तमिल है दिल, खून की नालियों और खून पर। आर हार्ट इज़ अ पम्पिंग ऑर्गन, हमारा हार्ट जो है वो एक पम्पिंग ऑर्गन है। इट पम्प्स द ब्लड इन ब्लड वेसल्स, ये पम्प करता है खून को खून की शरियानों की तरफ, नालियों की तरफ। ठीक है। द हार्ट, आर हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ आर फिस्ट, हमारा जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, और उसका साइज़ क्या है? हमारी जो बंद मुट्ठी होती है, फिस्ट कहते हैं मुट्ठी को, उसके जितना साइज़ है। द हार्ट इज़ फाउंड इन आर चेस्ट, और हमारे चेस्ट में पाया जाता है। इट पम्प्स ऑक्सीजन फॉर ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। जैसा कि मैंने पढ़ा था, आपको पहले बता दिया है कि दिल जो है वो जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है विदाउट ऑक्सीजन उसको पंप करता है लंग्स की तरफ। लंग्स जो हैं उनके अंदर जो एक फंक्शन हमने पढ़ा था कि अब जब हम एयर इनहेल करते हैं तो वो एयर सैक्स जो होते हैं, एल्वियोलाई जो के लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं, वो जो ज़रूरी मिकदार है ऑक्सीजन की उसमें अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको निकाल देते हैं। तो अब जब ब्लड जो है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो विदाउट ऑक्सीजन है, जो ब्लू कलर का ब्लड है, जब दिल इसको पास करता है लंग्स की तरफ, एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड, और जो फिर जब वो सारा प्रोसीजर होता है लंग्स से होके ब्लड दोबारा से लेफ्ट साइड पे आता है हार्ट की, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया होता है। देन जो हार्ट है दोबारा पंप करके उसको तमाम बॉडी में सप्लाई करता है। देर आर फोर चैम्बर्स इन अ हार्ट, हमारे हार्ट में चार चैम्बर्स हैं। टू अपर चैम्बर्स कॉल एट्रिया, सिंगुलर एट्रियम, एंड टू अपर चैम्बर्स हैं जिनको एट्रिया कहते हैं, एंड टू लोअर चैम्बर्स कॉल वेंट्रिकल्स, और दो लोअर चैम्बर्स हैं वेंट्रिकल, जैसे आप ये देख सकते हैं इस फिग में। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, टू लोअर चैम्बर्स एंड टू अपर चैम्बर्स। द वेंट्रिकल्स आर ऑफ हार्ट आर लार्जर देन द एट्रिया, जो हमारे दिल की लाइक वेंट्रिकल्स जो हैं वो एट्रिया से साइज में बड़ी होती हैं। बोथ एट्रिया कंट्रैक्ट एट द सेम टाइम इन सो द वेंट्रिकल्स, यानी कि एट्रिया और जो वेंट्रिकल्स हैं एक सेम टाइम में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सुकड़ते हैं। द ब्लड पासिस फ्रॉम द एट्रिया इन टू द वेंट्रिकल्स, खून जो है वो एट्रिया से गुजरता हुआ वेंट्रिकल में जाता है। देयर इज़ अ वाल्व बिटवीन ईच एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द हार्ट, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान वॉल्व्स हैं
यानी कि जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं, ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, यहाँ से ब्लड होता हुआ कहाँ जाता है, ये राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाता है, और इनके बीच में ये देखें ये वेंट्रिकल्स हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसका कलर ब्लू है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसका कलर रेड है, ठीक है। ये लेफ्ट एट्रियम और ये राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम से ये देखें कि हमने पढ़ा था कि जो ब्लू कलर का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो होता हुआ जो है वो कहाँ जाता है, लंग्स तक जाता है, और लंग्स जो हैं दोबारा से उसमें ऑक्सीजन शामिल करके उसको जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना के दोबारा से कहाँ पे भेजते हैं, लेफ्ट एट्रियम में, हार्ट की लेफ्ट साइड पे, और वहाँ से वो खून जो है वो तमाम बॉडी में सप्लाई होता है, ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू हार्ट। अच्छा जी, दीज वॉल्स कीप द ब्लड फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, यानी कि ब्लड का जो बैक फ्लो है उसको रोकते हैं ये वॉल्स। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंटर्स द राइट एट्रियम एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंटर्स द लेफ्ट एट्रियम ऑफ आर हार्ट। द राइट वेंट्रिकल्स पुशेस द ब्लड टू द लंग्स एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स पुशेस द ब्लड टू द बॉडी। जैसे कि हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो राइट एट्रियम से ब्लड जो है लंग्स में जाता है, देन दोबारा से वो लेफ्ट एट्रियम में जाता है, देन सप्लाई होता है वो ऑल बॉडी पार्ट्स को। सो टर्न द पेज, गो ऑन नेक्स्ट पेज। हाउ डज आर हार्ट वर्क, हमारा दिल कैसे काम करता है। ह्यूमन हार्ट एक्ट्स एज अ डबल पम्प, हमारा जो दिल है, इंसानी जो दिल है वो डबल पम्प की तरह से एक्ट करता है, काम करता है। ब्लड फ्रॉम लंग्स इन अदर बॉडी पार्ट्स एंटर द एट्रिया, खून जो है वो फेफड़ों से और दूसरे बॉडी पार्ट से एट्रिया में शामिल होता है। द टू एट्रिया कंट्रैक्ट एट द सेम टाइम, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि दोनों एक टाइम में सुकड़ते हैं। पुश द ब्लड टू वेंट्रिकल्स, और ब्लड को वेंट्रिकल्स तक पुश करते हैं। इट इज़ वन पम्प, ये एक पम्पिंग हो गई, एक फंक्शन हो गया उसका। नाउ बोथ वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट एट द सेम टाइम, अब जो पहले राइट एंड लेफ्ट एट्रियम एक टाइम में सुकड़े थे और ब्लड कहाँ पुश किया था, वेंट्रिकल्स में, अब जो क्या है कि बोथ वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट एट द सेम टाइम, अब दोनों जो वेंट्रिकल्स हैं वो कंट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड पम्प द ब्लड टू लंग्स इन अदर बॉडी पार्ट्स, अब ये ब्लड जो है पंप होके लंग्स और दूसरे बॉडी पार्ट्स जो हैं उन तक पहुंचता है। एंड इज द सेकेंड पम्प, और ये इसका दूसरा फंक्शन है, सेकेंड पम्प है, ठीक है। आर हार्ट बीट्स अबाउट 70 times a minute, हमारा जो दिल है वो एक मिनट में करीबन 70 times धड़कता है, बीट बीट जो है हमारी। वी कैन फील आर हार्ट बीट पल्स वाइल प्लेसिंग आर फिंगर बिलो द बेस ऑफ द थम ऑन द अंडर साइड ऑफ हर फेस्ट, आप अपनी कलाई में यहाँ पर यहाँ पे आप अपना थम रख के अपनी जो हार्ट बीट है उसको आप फील कर सकते हैं। सो ब्लड वेसल्स, अच्छा जी ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, जैसे पीछे हम पढ़ चुके हैं कुछ लाइट सा, लेकिन क्या है कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो बारीक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करते हैं, और इनमें ब्लड फ्लो करता है और पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। क्या होता है, ब्लड वेसल्स बारीक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करते हैं, और इनमें ब्लड फ्लो करता है, मूव करता है, दौड़ता है और पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। अच्छा जी, अब इसमें हम पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स, द ब्लड वेसल ट्रेवल थ्रू द बॉडी थ्रू आर थ्रू ब्लड वेसल्स। थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। अच्छा जी, अब क्या है कि खून जो है वो तमाम बॉडी में मूव करता है, ट्रेवल करता है थ्रू ब्लड वेसल्स, ठीक है। और ब्लड वेसल्स की कितनी टाइप्स हैं, यहाँ पर आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स, तीन टाइप्स हैं। इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये इनका क्या काम है। तो ब्लड में जो फूड और ऑक्सीजन मौजूद होता है, हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। Arteries have thick and flexible walls. Most of the arteries carry oxygenated blood, but pulmonary arteries carry deoxygenated blood to the lungs. Arteries divide many times to form smaller tubes called capillaries. अच्छा, जो खून में
आर्टरीज जो हैं, ब्लड वेसल्स जो हैं, वो क्या करती हैं, दिल से खून लेती हैं। और ये इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, थिक और फ्लेक्सिबल, और मोस्ट ऑफ द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और बहुत सारी आर्टरीज जो हैं, वो ज़्यादातर आर्टरीज कौन सा ब्लड लेती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है। बट पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं, कहाँ से लेके जाती हैं, लंग्स तक। और आर्टरीज डिवाइड मेनी टाइम्स टू फॉर्म स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। अच्छा, जब आर्टरीज डिवाइड हो जाती हैं काफ़ी दफ़ा छोटी छोटी ट्यूब्स में, तो ये मिलके क्या बन जाता है, कैपिलरीज बन जाती हैं। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। दे आर सो स्मॉल दैट रेड ब्लड सेल्स फ्लो थ्रू देम वन सेल एट अ टाइम। अच्छा जी, कैपिलरीज जो हैं वो बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, बहुत बारीक बारीक ब्लड वेसल्स हैं, नैरो सी, और ये इतनी छोटी हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो फ्लो करते हैं इसमें से, यानी कि एक ब्लड सेल जो है वो वन टाइम फ्लो कर सकता है, गुजर सकता है। फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड ऑफ कैपिलरीज डिफ्यूज इनटू द सेल्स। वेस्ट मटीरियल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स डिफ्यूज इनटू द ब्लड ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज अगेन जॉइन टू फॉर्म द लार्जर ब्लड वेसल्स कॉल्ड वेंस। अच्छा, ब्लड में जो फूड और ऑक्सीजन मौजूद होता है वो कैपिलरीज की वॉल से गुजरता हुआ बॉडी के दूसरे सेल्स में जाता है, और हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो भी हमारे सेल से जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, कैपिलरीज के पास, और वो इनको बॉडी के इन पार्ट्स तक ले जाती हैं जहाँ से हम इनको बाहर निकालते हैं। ओके जी, अब क्या है, कैपिलरीज अगेन जॉइन टू फॉर्म द लार्जर ब्लड वेसल्स कॉल्ड वेंस। अच्छा, अब बहुत सारी जब कैपिलरीज मिलती हैं तो क्या बनता है, बड़ी ब्लड वेसल्स बनती हैं जिनको हम वेन कहते हैं। वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट। वेन्स जो हैं वो खून को दोबारा दिल तक लाती हैं। मोस्ट ऑफ द वेन्स ब्रिंग डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। बहुत सारी वेन्स जो हैं वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दिल तक लाती हैं। बट पल्मोनरी वेन्स ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं, जो पल्मोनरी वेन्स हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं लंग्स से हार्ट तक। सो आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।